manifestations easy and effortless and fast होती है हमारा monthly declaration. Hello everybody, आज है दीपावली और आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं. और जो बंदी छोड़ दिवस भी मनाते हैं, आप सभी को बंदी छोड़ दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो इस बार जो दिवाली है वो 31st एंड 1st दोनों पे ही डिवाइडेड है. तो आज मेरी तरफ से आज दिवाली की शुभकामनाएं. और ये वीडियो है मंथली डिक्लेरेशन. हम मंथली डिक्लेरेशन की वर्कशॉप करते हैं जहाँ पे हम डिटेल में सब कुछ करते हैं, लेकिन जस्ट अ शॉर्ट वर्जन फॉर यू. डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन है कि हम अपने आने वाले महीने को स्टीयरिंग व्हील देते हैं. स्टीयरिंग व्हील देना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में रहता है कि व्हाट वी रियली वॉन्ट फ्रॉम दिस नवंबर मंथ, अपकमिंग मंथ. और उसी तरीके से हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस सब चलता है. उसी तरीके से हमारे सामने मौके आते हैं, उसी तरीके से हम एक्शंस एंड डिसीजंस लेते हैं. सो दिस इज़ द सोल पर्पस एंड उसी से हमारी मैनिफेस्टेशंस इजी एंड एफर्टलेस एंड फास्ट होती हैं. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस डिक्लेरेशन. सो आइए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, सो लेट्स डू इट टुगेदर. सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल नवंबर मेरी लाइफ में, ये इतना सुंदर महीना लाने के लिए. थैंक यू सो मच हे प्रभु, मुझे इतनी सांसें देने के लिए, मेरा इतना सुंदर शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए कि मैं ये नवंबर का महीना देख पाई हूँ. और उसी की वजह से आज मैं ये डिक्लेरेशन कर पाई हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इन बैलेंस्ड पांच तत्वों के लिए, जिनकी वजह से बॉडी चली, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट मेरे लिए सेफ एंड इफ़ेक्टिव रहा, उसी की वजह से आज मैं ये डिक्लेरेशन कर पा रही हूँ. सो थैंक यू सो मच पांच तत्वों के लिए, थैंक यू सो मच मदर नेचर के लिए, थैंक यू सो मच धूप छाँव बारिश गर्मी सर्दी हर तरह के सीजन्स के लिए. आज हमारा ये जो नवंबर का मंथ है वो शुरू हो रहा है दिवाली के दिन से. तो प्रॉस्पेरिटी, धन संपन्नता, इन सभी का ये सिग्निफिकेंस है हमारे इस नवंबर मंथ का. और दिवाली से और ज़्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है? सो लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स थैंक नवंबर फॉर द रिसोर्सेज एज वेल. अगर पूरे साल के अभी पिछले 10 महीनों में हमारे पास पेट भर खाना ना होता, सेफ्टी सिक्योरिटी ना होती, हम अपने घर में तंदुरुस्त ना होते, सेफ ना होते, तो आज हम नवंबर का महीना ना देख पाते. तो इसी वजह से लेट्स से थैंक्स टू आर प्रीवियस मंथ्स एंड ऑल्सो सभी चीज़ों की अबंडेंस हमारे घर में, राशन की अबंडेंस है. सो थैंक यू सो मच नवंबर 2024. हमारे घर में अच्छी हेल्थ है सबकी, थैंक यू सो मच नवंबर 2024. सभी के कामों में बरकत है, सारे के सारे घर के जन अपनी बड़ी निष्ठा से काम करते हैं, पूरा पारिवारिक जो संबंध है बड़ा मधुर है, बड़ा वार्म्थ है. सो थैंक यू सो मच नवंबर 2024 इतने ब्यूटीफुल संबंध देने के लिए, इतना ब्यूटीफुल मंथ देने के लिए, इतना ब्यूटीफुल समय हमारी लाइफ में लाने के लिए. नवंबर में सर्दी भी शुरू हो रही है, सो मौसम आजकल बड़ा सुंदर है. सो थैंक यू सो मच इतने सुंदर, इतने बैलेंस्ड मौसम के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. गर्मी भाग रही है तो उसकी वजह से अभी एसी पंखे इन सभी की ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू सो मच नवंबर इतना प्लेजेंट वेदर देने के लिए, थैंक यू सो मच नवंबर. जब वेदर प्लेजेंट हो जाता है तो हमारी जो क्रिएटिविटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक होती है ना इरीटेशन, एक होती है अनइजीनेस कभी किसी सिचुएशन की वजह से, जब वो कम हो जाती है देन बाय द वे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. सो येल्लो येल्लो वन दो आ गई हैं, आई डोंट नो इफ यू कैन सी देम. ओके, कभी हम अपना वीडियो बना रहे हो और बटरफ्लाई ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आई शो यू फ्रॉम अदर वे अराउंड. जब तक हमने कैमरा उस तरफ किया वो दोनों चले गए, बट एनी वेज. सो थैंक यू सो मच नवंबर, धन संपन्नता, अबंडेंस, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप्स, ये सभी कुछ मेरी लाइफ में लाने के लिए. हमारे सारे वाहन, अगर आप दो पहिया चलाते हैं, चार पहिया चलाते हैं, ये सारे वाहन बहुत अच्छे से चलाने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इन पेड़ पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फल सब्जियों के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, हमारे में वो हिम्मत देने के लिए. और सभी लोग जो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं उनको इतनी हिम्मत देने के लिए कि हमारे घरों तक मिठाइयाँ पहुँच रही हैं, हमारे घरों तक दूध, पनीर, दही, सभी जो भी चीज़ें हमें खाने की चाहिए वो सभी पहुँच रही हैं.
किसी के पास सिर्फ पैसा होना तो भी वो सारी चीज़ें नहीं पा सकता जब तक पूरा इकोसिस्टम अच्छे से वर्किंग ना हो। कोविड के टाइम पे याद कीजिए कितना मुश्किल हो गया था लोगों को चीज़ों, उनके पास पैसे होते हुए भी कोई दवाई नहीं ले पा रहा था, पैसे होते हुए भी कोई चीज़ों को नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जो चीज़ें पहुँचाने का पूरा जो साइकिल है, पूरा लाइफ साइकिल है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसमें एक भी कड़ी टूट जाती है तो चीज़ें हम तक नहीं पहुँचती हैं। तो अगर हम देखने जाएँ तो हमारे जीवन में बहुत बहुत अनंत ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, जिनका हम थैंक्स कर सकते हैं। बस वही चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है और अपने नवंबर को करना है सेट एक सही इनर स्पेस के साथ। सो थैंक यू सो मच मेरे सिर पे छत के लिए, थैंक यू सो मच नवंबर, ब्यूटीफुल नवंबर। मेरी अलमारी में इन्वायरमेंट के, वातावरण के अनुकूल कपड़ों के लिए पक्षी भी हामी भरने लग गए। कैन यू हियर? थैंक यू सो मच उन सभी बड़ों के लिए जो हमें इस सुंदर त्यौहार पे और इस सुंदर समय पे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग भी हमारी क्रिएशन जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट की तरह काम करती है। सो थैंक यू सो मच मिठाइयों की उन मिठास के लिए जो हम खुद तो खाते ही हैं, अभी सर्दी में और ज़्यादा मीठा खाते हैं लोग क्योंकि थोड़ा पचाना आसान हो जाता है, और इसके साथ साथ जिनको हम शेयर करते हैं, जो हमें शेयर करते हैं आके मिठास, वो मिठाइयाँ हमें देते हैं, वो हमारे आपस के रिश्तों में मिठास लाने का वो काम करती है। सो थैंक यू सो मच उन सभी मिठाइयों के लिए, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जो बनाते हैं, थैंक यू सो मच उन आउटलेट्स के लिए जो ये मिठाइयाँ बनाते हैं, एंड थैंक यू सो मच उन डिलीवरी शॉप्स के लिए या डिलीवरी पोर्टल्स के लिए जो ये मिठाइयाँ या फूड डिलीवर करवाते हैं हमारे लिए या हमारे तक। थैंक यू सो मच उन सुंदर सुंदर एग्ज़ाम्स के लिए, उन सुंदर प्लेटफॉर्म्स के लिए जहाँ पर हम तैयारी करते हैं, यहाँ पर अगर हम आपको कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उन एग्ज़ामिनर्स के लिए, उन गार्ड्स के लिए, वो गर्मी हो सर्दी हो वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, आपको खतरों से बचाने के लिए। आप एक बार इमेजिन करके देखो, आप किसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हो और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी ना हो, इट एनीथिंग कैन हैपन, राइट? और कई बार हमने सुना है न्यूज़ में ऐसा भी हुआ है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए G2 सम इंटरफेरेंस, तो लोगों का पूरा साल जो है वो चला जा सकता है इस वजह से। तो उन गार्ड्स को भी थैंक्स करना बनता है, उन इनविजिलेटर्स को थैंक्स करना बनता है, क्योंकि हो सकता है हमें वो स्ट्रिक्ट लगे लेकिन उन्हीं की वजह से ये पूरा जो कार्यक्रम होता है हमारे एग्जाम्स का, एंट्रेंस एग्जाम्स का, वो अच्छे से कंडक्ट हो पाता है। सो थैंक यू सो मच उन जॉब वालों के लिए अगर वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच अच्छा सिखाने के लिए, अच्छे मौके देने के लिए। लेकिन अगर हमारी कहीं जॉब में थोड़ा कुछ इशू है, हमें कुछ अनइजीनेस है, तो उसकी वजह से ही हम कोई डिसीजन लेते हैं उसको छोड़ने का, उससे और बेटर करने का। अगर हम अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं तो हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। कोई ना कोई पुश ही होता है जो हमें लाइफ में पुश करता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मौका ढूंढने का या मौका क्रिएट करने की हिम्मत उसी पुश से, उसी इंसिडेंट से मिलती है। सो थैंक यू सो मच सभी खट्टे मीठे इंसिडेंट्स के लिए जो हमारे जीवन में होते हैं, और हमारी जॉब के हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए थैंक यू सो मच नवंबर। मेरे घर में एक अच्छी इनकम सोर्स को मेंटेन रखने के लिए, बरकत रखने के लिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान करने के लिए, मुझे वो दृष्टि, वो सुबुद्धि देने के लिए थैंक यू सो मच। इसको ऐसे समझें कि हमारे जीवन में बहुत तरीके के मौके हर सेकंड आते हैं। इस टाइम, इस समय भी आपके आसपास चार मौके होंगे कि आप शायद उनको अगर अच्छे से पहचानो और यूज़ करो और उन पे एक्शन लो तो शायद आप अपना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। लेकिन हम बहुत बार उन मौक़ों को देख नहीं पाते हैं, उनको पहचान नहीं कर पाते हैं, और कई कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर हम मौका खो देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मौके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी पहचान और उनके लिए जो सही एक्शन लेना है उसके लिए हिम्मत भी मैनिफेस्ट करनी है। इसीलिए हम डिक्लेयर करते हैं अपने ब्यूटीफुल मंथ में कि हमें गाइडेंस तो मिले ही मिले, उस गाइडेंस पे एक्ट करने की, उस गाइडेंस को समझने की सद्बुद्धि, और उस गाइडेंस पे एक्ट करने की हिम्मत भी बनी रहे। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल नवंबर। अब ये जो नवंबर मंथ है, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है 2024, और एक और नई शुरुआत होने जा रही है। हम ये हर मंथ एक वर्कशॉप करते हैं, जो मंथ
वर्कशॉप कल हो चुकी है 31st को, लेकिन आप में बहुत सारे लोगों ने त्यौहार की वजह से इसको मिस कर दिया है, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं रिकॉर्डिंग के लिए. मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं दे सकती, बट व्हाट आई विल डू कि हम इस वर्कशॉप को संडे को दोबारा करेंगे. अब लास्ट चांस है, डोंट मिस दैट वर्कशॉप. तो डिक्लेयर, अगर आपको ये डिक्लेरेशन अच्छी लगी है, मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है, अगर आपको वो लाइव एनर्जी फील करनी है, बाकी लोगों के साथ को क्रिएट करना है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये वर्कशॉप जो हर महीने मैं लाती हूँ आपके लिए. तो इसकी डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है. ज़्यादा डिटेल के लिए मेरी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं. रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप एंड आई विल सी यू. वी विल डिक्लेयर आवर पावरफुल नवंबर मंथ टुगेदर ऑन संडे. सो आई विल सी यू ऑन संडे एंड रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप एंड आपका नवंबर और भी ज़्यादा अबंडेंट हो, और भी ज़्यादा खुशनुमा हो, और ज़्यादा मधुर संबंधों से भरा हुआ, और ज़्यादा मौकों इनकम के मौके, अच्छे मिठास वाले संबंध बनाने के मौके, ये सभी चीज़ें लेकर आपकी लाइफ में आए. एंड वंस अगेन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ. अब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय.